में है सर। उसने कुछ बताया क्या? नहीं कुछ नहीं बताया सर। Hey, तेरा नाम क्या है? सर विजय सर। स्टूडेंट हो क्या? हाँ सर। सर एक रिक्वेस्ट है। एक फोन कर सकता हूँ क्या? हेलो जानू, मैं विजय। विजय कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? विजय हुआ क्या है? विजय जानू तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो इसलिए मैंने फोन किया है। हमसे धोखा हुआ है। धोखा हुआ है जानू? मेरी सालत की वजह इंद्रा है, उस पर भरोसा मत करना जानू। ही इज वेरी डेंजरस। उसने हमारे साथ डबल क्रॉस किया है जानू। धोखेबाज है वो। उसने क्या किया जानती हो जानू? ही इज अ क्रूक। इसे बाहर छोड़ने से सारी बातों का पता चल जाएगा। जानू, जानू विजय को लाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की लेकिन विजय ने सारा काम चौपट कर दिया। ये देखो जानू, अगर जरा सा चूक जाता तो मैं अपना हाथ गवा देता। विजय बहुत वायलेंट हो गया है। ही इज गॉन मैड। आजकल अजीब सी हरकत कर रहा है और पुलिस के सामने ऐसा करने से वो चुप बैठेगी क्या? अरेस्ट कर लेगी। और वही हुआ, वो पुलिस कस्टडी में है। जानू मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं 24 घंटे में विजय को आजाद करके तुम दोनों की शादी करवाऊंगा, मगर विजय ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। देखो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम हौसला रखो। मैं किसी भी तरह चाहे जो हो विजय को यहाँ ला कर ही दम लूंगा। देखो मुझसे शादी करने का नाटक जारी रखो, बाकी का सारा काम मैं संभाल लूंगा। तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा कर सकती हो। क्या हुआ जानू, तुम उस विजय की याद में कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? शट अप, जस्ट शट अप। विजय की अरेस्ट होने से पहले उसे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए थे। विजय जेल जाता तब भी गम ना करती, पर तुम्हें मारकर उसने एक अच्छा काम किया ये सोचकर खुश होती। ओह सब पता चल गया क्या? पता चल ही गया तो क्या हुआ, तो क्या करेगी? हाँ तुमने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। उस दिन तुमने क्या कहा था, कॉलेज में क्या भाषण दिया था? अगर ये अवार्ड डॉक्टर हो या इंजीनियर, अगर ये देंगे तो मैं खुशी से स्वीकार कर लूंगी, यही कहा था ना? इसीलिए मैंने भी तुमसे बदला लेने के लिए क्या किया पता है? हा? तुम और विजय जब बाइक पर जा रहे थे तब अपने आदमियों के जरिए मैंने खुद पर चाकू से वार करवाया। ए, वो आ रहे हैं, जल्दी से मार मुझे। तुम लोगों का विश्वास हासिल किया, संगीत सीखने के बहाने करीब आ गया, तुम्हारे माँ बाप के नजर में खुद को विजय से ज्यादा बेहतर कहलवाया। मैंने तुम्हें शादी के लिए राजी किया। उस दिन जब रात को जयराज ने हमला किया, विजय को गन उठाने पर मैंने ही मजबूर किया। जयराज को गोली भी मैंने ही मारी और डर के मारे विजय समझा कि गोली उसने चलाई है। विजय की गन से गोली चली ही नहीं, पुलिस को भी मैंने ही फोन किया। विजय को शहर छोड़कर भागने पर मैंने ही मजबूर किया। सब विजय को खून ही समझते हैं। उस दिन मुझे क्या कहा था तुमने? गुंडा कहा था ना? अब तुम इसी गुंडे से शादी करोगी, सारी जिंदगी इसी गुंडे के साथ गुजारोगी।
उस दिन विजय क्या कह रहा था, संगीत के तो हर राग में बहुत शक्ति है। मेघ मल्हार गाने से काले बादल छाकर बारिश होती है और दीपक राग गाने से दीपक जलते हैं। मोहन राग गाने से सारे जानवर अपने धुन में मग्न हो जाते हैं। अब अगर और कोई राग है तो गाओ ना, वो निर्दोष साबित होकर पुलिस कस्टडी से बाहर आ जाएगा। तुम यहाँ ताता थैया करके नाचती रहो, तुम्हें यहाँ कौन सा राग आकर बचाता है ये देखते हैं। क्यों बोलो ना, हाँ बोलो ना, बोलो, हाँ क्या हुआ, हाँ वो देखो। हाँ?